हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र और आज हम पढ़ेंगे एस चान पब्लिकेशन की क्लास 10th की केमिस्ट्री से चैप्टर सेकंड, दैट इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। और आज का हमारा टॉपिक है इंडिकेटर्स। इस वीडियो के बाद में मैं और भी वीडियो लाऊंगा इस पूरे चैप्टर को कवर करने के लिए। सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वो सारे वीडियो मिल जाए। सो लेट्स बिगिन आवर वीडियो। दोस्तों, इससे पहले अपने मेन टॉपिक इंडिकेटर के ऊपर जाएं, मैं चाहता हूं कि आपको क्लास 9 के चैप्टर मैटर एंड सराउंडिंग की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो। दोस्तों, हमने पढ़ा था कि दुनिया में हम जितनी भी चीज़ें देखते हैं वो किसी ना किसी मैटर की बनी हुई है। अब दुनिया में वो चीज़ें कुछ भी हो सकती है, हो सकता है वो आपकी सीमेंट की बोरी हो या फिर आपके सामने रखी हुई मिट्टी का ढेर हो। अब जो भी मैटर दुनिया में मौजूद है वो बेसिकली दो तरह का है, या तो वो प्योर है या फिर वो इम्प्योर है। अब जो भी प्योर मैटर होंगे हम उसी के बारे में इस पूरे चैप्टर में बात करेंगे। हम इम्प्योर मैटर को कंसिडर नहीं करेंगे, हम प्योर मैटर के बारे में बात करेंगे। अब जो प्योर मैटर होते हैं ये बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं और उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह का होता है। अब ये मैटर के टाइप के ऊपर डिपेंड करता है कि ये कितने पास और कितने दूर है, लेकिन हम ये जानते हैं कि जो मैटर होता है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, जैसे कि ये सारे हैं। अब ये जो भी मॉलिक्यूल हैं इनमें से हर एक मॉलिक्यूल के पास एक केमिकल फॉर्मूला होगा। अब ये जो केमिकल फॉर्मूला है ये बतलाता है कि ये मॉलिक्यूल किन एटम से मिलकर बना है। अब मान लीजिए ये शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं, तो शुगर के मॉलिक्यूल का जो केमिकल फॉर्मूला होगा वो होगा C12S22O11। इसका ये मतलब है कि इस शुगर के एक सिंगल मॉलिक्यूल में 12 कार्बन के एटम होंगे, 22 हाइड्रोजन के एटम होंगे और 11 ऑक्सीजन के एटम होंगे। अब हम इतनी ज़्यादा मॉलिक्यूल और एटम के बारे में बात करने से बच जाए, इसलिए हमने इन मॉलिक्यूल्स को एक नाम दे दिया है और इन्हें हम कहते हैं कंपाउंड्स। तो कंपाउंड कुछ नहीं, एक मॉलिक्यूल होता है जिसका हम केमिकल फॉर्मूला जानते हैं। अब ये कंपाउंड्स हैं, कंपाउंड को लेटर ऑन और भी तरह से कैटेगराइज किया जाएगा। दोस्तों, अब जो कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड्स भी कई तरह के होते हैं। कंपाउंड्स मेनली या तो एसिडिक होंगे या फिर वो बेसिक होंगे या फिर वो सॉल्टी होंगे। तो कंपाउंड्स की बेसिकली तीन कैटेगरी होती है जिन्हें हम कहते हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट। अब दुनिया में कई सारे एसिड, बेस एंड सॉल्ट होते हैं, लेकिन हमें स्पेसिफिकली पता होना चाहिए कि कौन सा जो कंपाउंड है वो एसिडिक है, कौन सा बेसिक है और कौन सा सॉल्ट है। अब ये बात जानने के लिए हम इस्तेमाल में लेते हैं इंडिकेटर्स। दोस्तों, चलो अब ये समझ लेते हैं कि आखिर इंडिकेटर होते क्या है। अगर इंडिकेटर को डिफाइन करें, देन इंडिकेटर इज अ डाई दैट चेंजेस कलर व्हेन पुट इनटू एसिड और बेस। यानी कि इंडिकेटर एक ऐसे कंपाउंड होते हैं, एक ऐसी डाई होती है जो कि अपना कलर चेंज कर लेती है जब इन्हें एसिड या बेस में डाला जाए। वैसे तो इंडिकेटर बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम मेनली तीन तरह के इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं इन आर लैब्स टू आइडेंटिफाई एसिड, बेस और सॉल्ट। अब ये तीन इंडिकेटर हैं लिटमस पेपर, सेकेंड इज मिथाइल ऑरेंज एंड थर्ड इज फिनैप्थलीन। अब चलो हम लिटमस पेपर के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, वैसे तो लिटमस पेपर पर्पल कलर का होता है, लेकिन हम इनके दो वेरिएंट ब्लू और रेड लिटमस पेपर का इस्तेमाल करते हैं एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन जानने के लिए। तो दोस्तों, जो अगर हम किसी ब्लू लिटमस पेपर को किसी एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर हम रेड लिटमस पेपर को किसी बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो ब्लू कलर का हो जाता है। और इन केस अगर वो सॉल्यूशन एक सॉल्ट है तो ना तो ब्लू और ना ही रेड लिटमस डालने पे उसके कलर में कोई चेंज आता है। तो बेसिकली आप ये याद रखिएगा कि रेड का ब्लू हो जाता है जब बेसिक में डाला जाए और ब्लू का रेड हो जाए जब एसिडिक में डाला जाए। अब दोस्तों, ये सारी चीजें परफॉर्म कैसे होती हैं इसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, हम क्या करते हैं, जब जो भी कोई कंपाउंड होता है हम उसका एक छोटा सा हिस्सा हम एक बीकर में डाल लेते हैं जिसमें कि पहले से ही वाटर मिला हुआ होता है, पहले से ही वाटर पड़ा हुआ होता है। तो
हम एक्वा सॉल्यूशन में किसी कंपाउंड के छोटे से हिस्से को डालते हैं, फिर उसके बाद हम ब्लू और रेड लिटमस पेपर की स्ट्रिप ले आते हैं। ब्लू लिटमस पेपर की स्ट्रिप डालने पे अगर वो रेड हो जाता है तो हम कहते हैं वो एसिडिक सॉल्यूशन है, और अगर रेड लिटमस पेपर की स्ट्रिप डालने पे वो अगर ब्लू हो जाए तो हम कहेंगे द कंपाउंड इज बेसिक, और अगर दोनों में से कोई भी रंग चेंज ना हो देन वी विल से दैट इट इज सॉल्ट। दोस्तों फिनैप्थलीन एक सिंथेटिक इंडिकेटर है, यानी ये लैब में बनाया गया है, फैक्ट्री मेड है, ये नेचर में पाया नहीं जाता है, और इसका जो कलर है वो कलरलेस होता है शुरुआत में। चलिए अब जान लेते हैं अपना कलर कैसे चेंज करेगा अगर इसे एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में डालें। अगर हम इसे किसी एसिडिक सॉल्यूशन में डालें देन ये अपना कलर चेंज नहीं करेगा और कलरलेस का कलरलेस बना रहेगा, लेकिन हम इसे अगर किसी बेसिक सॉल्यूशन में डालें देन इट विल टर्न इनटू पिंक कलर। इसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी होती है कि ये एसिडिक सॉल्यूशन में क्योंकि ये कलर चेंज नहीं करता है, इसलिए अगर हम इसे किसी एसिड में डालेंगे तो ये कलर चेंज नहीं करेगा, और साथ ही साथ ये सॉल्ट में भी कलर चेंज नहीं करेगा। तो ज़्यादातर एसिड और सॉल्ट में डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम फिनैप्थलीन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी कमजोरी है, इसलिए मोस्ट ऑफ द प्लेस हम लिटमस पेपर का इस्तेमाल करते हैं फॉर टेस्टिंग एसिडिक बेसिक एंड सॉल्टी सॉल्यूशन। ये तो आ रहा फिनैप्थलीन के बारे में। अब एक और कैटेगरी होती है इंडिकेटर की, जिसे हम कहते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। दोस्तों ऑल फैक्ट्री का मतलब होता है रिलेटिंग टू स्मेल, यानी गंध से संबंधित। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर वो इंडिकेटर होते हैं जो कि अपना स्मेल चेंज कर लेते हैं जब इन्हें एसिडिक या फिर किसी बेसिक सॉल्यूशन में डाला जाता है। अब चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। अनियन यानी कि प्याज, आपने घर में इसे बहुत बार काटते हुए देखा होगा और इसकी स्मेल भी महसूस की होगी, बहुत ही हार्श स्मेल होती है। लेकिन हम अगर किसी बेसिक सॉल्यूशन या फिर बेसिक कंपाउंड में इसे मिक्स करते हैं देन इट्स स्मेल्स गोस अवे, इसकी कोई स्मेल नहीं आती अगर किसी किसी बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं। एक ऐसा ही बेसिक सॉल्यूशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। NaOH को जब अनियन में डालेंगे तो अनियन की जो स्मेल है वो चली जाएगी। सिमिलरली जब NaOH जो कि एक बेसिक सॉल्यूशन है उसे जब हम वेनिला में डालेंगे तो उसकी भी स्मेल नहीं आएगी। वैसे वेनिला की मैं बता दूं कि बहुत ही अच्छी स्मेल होती है, आप में से बहुत सारे लोगों ने आइसक्रीम खाई होगी वेनिला की, इट्स अ वेरी गुड आइसक्रीम। वेनिला डालने से और अनियन के ऊपर और वेनिला के ऊपर बेसिक सॉल्यूशन डालने पे इनका जो बेसिक स्मेल है वो चला जाता है, वेरस जब एसिडिक सॉल्यूशन में इनको मिक्स करते हैं देन इट्स स्मेल रिमेन्स। ये रहे हमारे कुछ इंडिकेटर के एग्जांपल। अब मैंने काफी सारे इंडिकेटर बता दिए हैं लेकिन फिर भी बहुत सारे इंडिकेटर रह गए हैं, जैसे टर्मरिक यानी हल्दी, जब इसको हम किसी बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं देन इट विल टर्न्स रेड, और जब हम साबुन से उसे धुलते हैं देन इट रिटर्न्स टू इट्स येलो कलर। इसी तरह और बहुत सारे नेचुरल इंडिकेटर हमारे नेचर में पाए जाते हैं जिसके बारे में बात नहीं की है। फिलहाल के लिए एग्जाम में इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको इंडिकेटर के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला हो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।